भाई। जय माता दी। जम्मू कश्मीर साइकिल से साइकिल यात्रा कटवाते भाई साहब। कब तक पूरी होगी? 11 दिन लगेंगे। अभी आज का दिन छोड़ के कब से चले हो? हाँ दिल्ली से आ रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। तो फिलहाल अभी हम ओमकारेश्वर में ही हैं और टाइम अभी 4 बज गए पूरे। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, पर हमें रात के भी इस पर टाइम दिखा रहा है 10 बजे का। इस हिसाब से 12 से ऊपर हो जाएगा टाइम, क्योंकि बीच में रुकना भी पड़ जाता है रात में, क्योंकि अभी तो वैसे थोड़ा स्लो ही चलेंगे और रात में भी, रात तो खैर ख़त्म ही हो गई, अब तो मॉर्निंग हो गई है। अब सीधे खींचेंगे, 2-3 घंटे लगातार खींचने हैं हमारे को। और यार बहुत लंबा है, मैं देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा। 2 तो बज जाएगा अगर हम ज़्यादा रुकेंगे तो, क्योंकि 922 किलोमीटर भी बता रहा है इसमें मैप पे हमारे। और वहाँ से आगरा से अगर हम के उस पर चढ़ जाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, वरना तो और लंबा लगने वाला है। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। तो टाइम 4 बज रहे हैं, हमारी बाइकें देखो यहाँ लगी हुई है, इधर बाकी 2 उधर लगी हुई है। फटाफट से सब निकलने के लिए तैयारी हो रही है। देखो सो वेलकम बैक अगेन गाइज। तो हम बाइक पे आ चुके हैं, इस टाइम पूरे 5 बज गए एग्जैक्टली, और यहाँ से है टोटल 918 किलोमीटर। देखते हैं हमें टोटल कितना टाइम लगता है पहुँचने में, जो कि अभी फिलहाल मैं दिखा रहा है इस पर टाइम 10:22 तक पहुँचने का, जो कि नॉन स्टॉप का है। फिर भी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। सभी लोग बैठ चुके हैं अपने बाइक पर, सब निकल चुके हैं आगे। ये क्या है भाई, ये मिरर इतना ऊपर कैसे है? अबे भाई, अबे यार तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें तो। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। एक बार और ओमकारेश्वर महाराज को प्रणाम करते हुए निकलते सीधे आगे। और यहाँ पर भी इतना ठंडा मौसम है, मतलब ठीक है, पंखे वंखे बंद करके सोने पड़ रहे हैं भाई, ऐसा है, थोड़ा बहुत ठंडा है मौसम। ये तो फिर खैर यहाँ पे पूरा एक घर वगैरह है, आगे जाने के बाद पहाड़ है, पहाड़ पे ठंड लग सकती है वहाँ पे ज़्यादा। थोड़ा एफ ट्रिप पे लगी हुई है भाई, पेट्रोल पम्प में लगा तो पेट्रोल डलवाना है हमारे को भाई पहले तो। तो गाइस 6 बज चुके हैं पूरे और हम चल चुके हैं अभी टोटल कितना हो रहा है भाई, 43 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 43 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं हम लोग, 6-1 घंटे हुए। अभी हमें टैंक भी फुल करवाया है, अभी पूरा खाली हो गया था यार। और मैं तो वैसे मेट्रो चला रहा हूँ, आज मिट्टू बैठा है, क्योंकि कल पूरे दिन मतलब कि जब से स्टार्ट हुए राइड तब से लगातार बाइक चला ही रहा है, मतलब ये कर रहे हो, मतलब उसने रेस्ट नहीं लिया, बैठा नहीं होता बाइक पे, बैक पिलियन बन के तो वो बैठा है यार। अब मैं चला रहा हूँ भाई मिट्टी, और उजाला हो गया अब तो, अब थोड़ी खींच देंगे बाइक सही से, थोड़ा और उजाला हो जाए। ब्रेकर वगैरह नहीं दिख रहे ना अभी भी भाई साहब। ये नज़ारे देख कर पूरा यार पूरी फील आ रही है कि उत्तराखंड वाली फील आ रही है यार, पूरी पूरी सेम टू सेम ऐसा नज़ारा लग रहा है। देख रहे हो ये जगह साइड में, इधर पहाड़, इधर पहाड़ पर खाई के साथ, और बीच में मस्त रोड, ऊपर से व्यू पॉइंट इधर एक नंबर का बहुत लग रहा था, पीछे बहुत बढ़िया लग रहा था। ये नाक बना दे, नाक बोल रहा है बंदा, सांप बना दे ऐसे ऐसे। और यहाँ से हमें ये रोड जो है पूरा 145 किलोमीटर का है, बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पर ब्रेकर भी है यार इस रोड पे भी। लेकिन एक चीज सही है, 145 किलोमीटर का सीधा रोड है, पर दिक्कत ये भी है, ये है ऐसा रोड यहाँ पर लोग आते जाते रह रहे हैं यार, दिक्कत ये है। थोड़ा सा लेट है, 8 बज गए, टाइम ये है कि 8 बज गए, अगर थोड़ा सा जल्दी रहते तो मौज जाती। ये क्या कर रहा है यार, तो जा रहे बाबा जा।
भाई 160 किलोमीटर प्लस हमने कर दिया है कवर, और अभी टाइम हो रहा है 8:46, और यहाँ का रोड देखो कितना मस्त रोड है ना, ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस वे है, हाईवे पूरा एक्सप्रेस वे की तरह पूरा सेम टू सेम, और रोड देखो कितना बेहतरीन है, पवन चक्की चल रही है, क्या मस्त रोड है, अभी देखना यहाँ से व्यू कितना कैसा लगेगा। क्यों देखे तो मस्त हो रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है इधर से सामने पहाड़, और रोड देखो ओ भाई बेहतरीन यार, सच में क्या बेहतरीन रोड है यार, ऊपर से इतना मस्त व्यू आ रहा है, पहाड़ भी पवन चक्की भी साइड में, और रोड इतना प्यारा। गाइस हम लोग आ चुके हैं काफ़ी दूर, अब 345 किलोमीटर हमने कवर कर दिया मॉर्निंग के 5 बजे से लेकर के अब तक, और यहाँ पर देखो बाइक को लाइन में लगा दिया हमने पूरे छाँव में, क्योंकि बहुत देर हो गई थी यार, बहुत देर से चल रही थी तो गर्म हो गया था पूरा, वो अभी लगा दिया इसको, हमने पार्किंग में कुछ खाया भी नहीं तो खा लेते हैं, चाय तो हमने पी लिया था पहले एक बार, अब कुछ खा लेते हैं तो भूख भी लगी है, और थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देना, 345 किलोमीटर तक कवर कर दिया हमने, अब बचे हैं 577 किलोमीटर और बाकी है, देखते हैं भाई वो कितनी देर में होता है, पहले खाना खाते हैं फटाफट से, भूख भी लग गई है तो। भाई हमने यहाँ पे अपना लंच कर लिया कंप्लीट, अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे दिल्ली के लिए, देखते हैं कितना देर लगेगा, अब मैं नहीं बताऊंगा कितना देर लगेगा, मतलब कि टाइम लगेगा, वैसे तो रात के 11:30 बज जाएंगे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जा रहा था, अब मैं अपने हिसाब से नहीं जा रहा, मैं इनके हिसाब से जाऊंगा, और इनके हिसाब से मेरे को पता क्या होगा तो 12 से ज़्यादा हो सकता है टाइम, अब पक्का है 100%, और टाइम अभी हो रहा है 12:42, ये देख रहे हैं यहाँ लिखा है गोरा, यहाँ गोरा गाँव है पास में, ये लेफ्ट साइड में, वो सामने जा रहे हैं 3 जने, अब सबसे आगे चलेगा बिट्टू या कमिंदर, दोनों में से कोई भी चलेगा एक, मैं दोबारा आ चुका हूँ अपनी क्लासिक पर, और मेरे साथ बैठा है प्रदुमन पीछे, सही है भाई चलते रहो सीधा सीधा यार, रात के 3 बजे उठे थे रात के यार, उस हिसाब से हम लोग वैसे तो 5 बजे निकल गए थे, और 345 किलोमीटर कवर हुआ है, वो तो ठीक है बट अभी और ज़्यादा होना चाहिए था, कोई बात नहीं जो है ठीक है, और यहाँ पर लंच करते टाइम में हमारे टोटल टाइम वेस्ट हुआ है, वेस्ट क्या हुआ है, खाए पिए हैं जो भी है, यहाँ पर टोटल हमारे जो टाइम लगा है वो 1.5 घंटे से ऊपर लगा है भाई, कोई बात नहीं चलते आगे। भाई देख रहे हैं यहाँ पे खांडवा से कटरा जा रहे हैं, साइकिल यात्रा चल रही है इनकी, भाइयों के पूछते हैं इनसे, भाई जम्मू कश्मीर जा रहे हो भाई, जय माता दी, जम्मू कश्मीर साइकिल से, साइकिल यात्रा कटवाते भाई साहब, कब तक पूरी होगी, 11 दिन लगेंगे अभी, आज का दिन छोड़ के कब से चले हो, 26 तारीख से चले हो, अच्छा नौ देवी के दर्शन करते हुए जाओगे, अच्छा हम लोग वहाँ गए थे महाकालेश्वर गए थे और ओमकारेश्वर, हाँ हाँ कह सकते हैं, अब वापसी जा रहे हैं, हो गया हमारा वहाँ से दर्शन, हाँ चलो भाई जय माता दी, जय माता दी। तो भाई देख रहे हो इनकी साइकिल यात्रा चल रही है, कुछ ये एक दो जने नहीं काफी जने, देखो यहाँ भी आगे भी और पीछे भी काफी सारे लोग रुके हुए थे, तो ये जा रहे हैं साइकिल यात्रा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर तक,
ये चले खांडवा से नौ देवी के दर्शन करते हुए। भाई साहब देख रहे हो यार, अब हमारी तो हालत खराब हो जाएगी भाई। बाइक से बंदे थक जा रहे हैं, हम तो बाइक से थक जा रहे हैं। ये मुंह ये जय माता दी, ये जा रहे देखो खांडवा से जा रहे हैं जम्मू कश्मीर भाई। 11 दिन लगेंगे आज को छोड़ के, आज तारीख है 3 और 11 14 तारीख तक पहुंचेंगे भाई। क्या बात है भाई साहब, जय माता दी जय माता दी। ये होती ना यार बातचीत भाई। यहाँ पर रुक गए भाई लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ भाई? आधे घंटे नहीं हुआ यार, अरे यार आधे घंटे तो हमें चले हुए हुए वहां से यार। मैं टाइम देख के चल रहा हूँ भाई। दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से गए थे वहाँ पे, उज्जैन गए थे वहाँ पे ओमकारेश्वर, सुना है? आप यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं वापस, वापस जा रहे हैं घर। ठीक है भाई, ओके भाई। हाँ क्या कर रहा, क्या हो गया? टाइट करवा लेते, टाइट करवा लेते ना। आगे पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं हम लोग, काफी देर तक मैं अभी चला रहा था, क्लासिक चला रहा था, उसके बाद से पहले बैठा था फिर क्लासिक भी चलाया, उसके बाद से अब जो है फाइनली रात हो गई है। टाइम बताऊं क्या हो रहा है, 7:43 हो रहा है, बोले तो 8 बजने वाले। और अब जो फाइनल स्टेप में हूँ एमपी में, और ये मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ, ये जो रिवर है रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं सीधे यूपी की तरफ, नहीं सॉरी ये एमपी और अब राजस्थान की तरफ कर रहे हैं। इसके आगे राजस्थान है, राजस्थान के बाद आगे आएगा यूपी, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस नहीं, जो कि वो है यमुना एक्सप्रेस वाला, यमुना एक्सप्रेस में पकड़ेंगे उसके बाद सीधे घर की तरफ। तो ये एमपी भाई, एमपी को भी बाय बाय करते हैं भाई, बाय बाय। अब सीधे राजस्थान में एंट्री हो चुकी है हमारी। हॉर्न पे भी मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि भाई को थोड़ी सी नींद आने लग गई थी, क्योंकि जाम था पीछे, हाथ में दर्द भी हो गया था जाम में यार। ऐसी बाइक पर जाम में बहुत दर्द हो जाता है हाथ में वगैरह, इसलिए थोड़ी हमने बाइक वगैरह स्विच कर लिया। मेरा भाई दोबारा से क्लासिक पे आ गया, मैं आरन पे आया, बाकी तो अभी सेम चल रहा है, बाकी बाद में देखते हैं अगर कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे बाइक स्विच कर लेंगे भाई। लेकिन बाइक चेंज करने से ना थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती ही है, ताकि अपना एक्सपीरियंस भी आपको बढ़ता है भाई हर बाइक के साथ। बाकी मजा आ रहा है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है सिस्टम सारा, महादेव की कृपा स्टेप बनी हुई है हमारे ऊपर। बस वही है कि थोड़ा सा लेट हो रहे रात के भाई, 1:30 तो बज सकते हैं मैं घर पहुंचते, क्योंकि यार पता ही है रास्ते में क्या पता है भाई, कब जाम क्या रहता है कब क्या नहीं रहता है। तो भी है जाम वगैरह के चक्कर में इधर फंस गए बस हम थोड़ा बहुत, वरना तो इतना मस्त रोड मक्खन रोड मिल रहा है। लेकिन ठीक है कोई नहीं, अब यहाँ पे 65 किलोमीटर पार करना है इसको, उसके बाद से सीधे आ जाएगा भाई यमुना एक्सप्रेस। देखो हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो यहाँ पर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किधर से चढ़ना है, इसलिए इधर से रुके थे। बाकी अब आ चुके हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे देखो प्रॉपरली, अब सीधे हमें खींचना है लगातार, एक बार रुकेंगे टोल पे कुछ खाएंगे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे नोएडा तक। रोड भी आ गए यहाँ पे, वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। भाई ये गोप्रो बंद क्यों हो रहा भाई, भाई ये क्या हो रहा भाई। चलो गाइस टोल प्लाजा आ गया है, और अब कुछ खाएंगे चाय पियेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा रुक करके। पहले तो टोल कटवाना पड़ेगा भाई यहाँ पर,
तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे आगरा जो कि यमुना एक्सप्रेस वे है और हम जाएंगे सीधे नोएडा। अब एक बार रुके हैं क्योंकि बहुत देर से हम लोग चल रहे थे, चाय पीनी थी। पहले हमने हम थे क्या नाम था जगह का, हम वहाँ पर थे पहले मध्य प्रदेश में, वहाँ पर थे तब रुके थे, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ से सीधे हम जाएंगे नोएडा, नोएडा से अपने घर की तरफ दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, घर की तरफ पूरा। ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी तक। चाय पीने में लोग रुके हुए देखे यहाँ पे सारे बंदर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, आगरा से निकल चुके हैं सीधे नोएडा के लिए। देखते कितना टाइम लगता है हमें। तो भाई रात के बज रहे हैं 1:12 और हम आ चुके हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, देख ही रहे हो आप। अब देखते हैं भाई 2:30 तक ऊपर में घर पहुंच जाएंगे आराम से, आराम से, हाँ आराम से। 1:15 का रास्ता बता रहा भाई, 1:15 का, देखते हैं कितना टाइम होता है हमें पहुंचने में। 2:28 तक का बता रहा लास्ट टाइम भाई। फाइनली हम लोग आ चुके हैं दिल्ली में। देखो ये देखो, अभी हम लोग राजपथ नगर में और आगे एम्स है, एम्स का सीधा रोड निकलेगा राजौरी गार्डन की तरफ, उधर से हम लोग अपने घर की तरफ निकल जाएंगे भाई। तो भाई रात के बज गए हैं 2:30, देखो 2:33 हो गए इस टाइम और बिल्कुल मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ। तो ये जो हमारी राइड थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि थी दिल्ली से उज्जैन, महाकाल, महाकालेश्वर। और सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके अपने घर पे, जो कि हम लोग रात में पहुंचे थे 2:30 पूरा, जो मैंने टाइम बताया था रात को 2:30 हम लोग पहुंच गए थे। बाकी जो हाँ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, पूरी राइड बहुत मस्त गई, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बट इस बार काफ़ी सही गई राइड। और वीडियो बताना आपको कैसी लगी, ये जो राइड थी हमारी महाकालेश्वर उज्जैन की और ओमकारेश्वर की, और हमने काल भैरव भी किए, तीन जगह हमने दर्शन किए। और बाकी रात में आगरा एक्सप्रेस वे जो था ये वाला यमुना एक्सप्रेस वे पूरा पकड़ के हम सीधा आ गए दिल्ली तक अपने। तो बस भाई यही थी इस वीडियो में, वीडियो बताने कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ कोई नया हो जो कि ज्योतिर्लिंग में अगला कोई करना हो तो कमेंट में बता सकते हैं भाई। बाय बाय।